भाई इस बार सोनम ने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया भाई, जिस तरीके से वो बोले ऋषभ के खिलाफ मेरे हिसाब से बनता नहीं था। ऋषभ यार नए नए आए हैं मुंबई, नए नए ऐसा बॉलीवुड में सेट हो रहे हैं और तुम साला कुछ भी बोल दोगे क्या? इज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट राइटर, एक्टिंग से ज्यादा काबिलियत इस बंदे के पास है, तो आप किसी के रंग पे किसी के लुक पे नहीं बोल सकते। ऊपर से प्रभास ने भाई साहब जो लतेड़ा है सोनम को, मैं कह रहा हूँ अमेजिंग, एक स्टेटमेंट में खत्म कर दे। एंड ऋषभ इज वन जो अपनी कहानियां खुद लिखते हैं, अपना डायरेक्शन खुद करते हैं भाई, मोस्ट ऑफ टाइम पैसा भी खुद लगा देते हैं, जिसके कारण उनके काफी सारे इंटरव्यूज बहुत फनी हो जाए। उन्होंने कहा है कि पैसा मांगने वाले आते ना तो कई बार तो मैं मास्क पहन के निकल लेता था, कभी हेलमेट पहन के निकल लेता था, और भाई ये बंदा एक्ट भी खुद करता है। तो आप देखिए जब आदमी इतना मेहनती है तो उसके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये बोला इसलिए जा रहा है कि इनकी जो रिसेंट कुछ फोटोज वीडियोज वायरल हुई हैं वो सारी की सारी ना मंदिरों की ही हुई हैं। कहीं पर पूजा कर रहे हैं, कहीं पर मंदिर में डांस कर रहे हैं, कहीं पुजारी जैसे दिख रहे हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई उन चीज़ के ऊपर सोनम कपूर ने बोला कि नाउ ही इज ट्राइंग टू बी इन बॉलीवुड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ठीक कर दूँ, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि ऋषभ इज ट्राइंग टू बी इन बॉलीवुड, ऐसा नहीं है। उनके इंटरव्यूज देखो, उन्होंने कहा कि अभी बॉलीवुड में वो काम नहीं करना चाहते। वो मुंबई इसलिए आए हैं कि उन्हें अपनी मूवी प्रमोट करनी है, क्योंकि मूवी हिंदी में रिलीज हो गई। मुंबई इसलिए नहीं आए कि उसे बॉलीवुड में काम करना है, बस जनता के साथ इंटरेक्शन चाहते हैं ताकि मूवी और अच्छे से वर्क करे। दूसरी बात, हर स्टेटमेंट वो उसकी आप अभी ऐसे एक्टर नहीं बना जाता, एक्टर के लिए एक शेप की ज़रूरत है। आई नो ही इज़ आउट ऑफ शेप, बट एक्टिंग के लिए किसी शेप की ज़रूरत नहीं, एक्टिंग के लिए ना एक्टिंग की ही ज़रूरत है। एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट राइटर, एक्टिंग से ज़्यादा काबिलियत इस बंदे के पास है, तो आप किसी के रंग पे किसी के लुक पे नहीं बोल सकते। ऊपर से प्रभास ने भाई साहब जो लतेड़ा है सोनम को, मैं कह रहा हूँ अमेजिंग, एक स्टेटमेंट में ख़त्म कर दिया। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि वो एक्टिंग में कम है, तो आई थिंक उनसे और उनके रिश्तेदारों से अच्छा एक्ट कर सकते हैं। जितने लोग सोचते हैं कि भाई डायरेक्शन इनका वीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप जिसको भी जानते हैं ना बॉलीवुड में, उनसे बेहतर डायरेक्शन है। और शायद आप कहानियां बाहर से लेते होंगे, साउथ से, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कहानी अपनी खुद लिखता है, और ऐसी कहानी पूरे बॉलीवुड में कोई लिखने वाला नहीं है। भाई एक लाइन में ना सब लतेड़ दिया, बेस्ट लाइन कि भाई ये किसी के सपोर्ट पर नहीं आए हैं, इज नॉट देयर बिकॉज इसके जो पापा हैं वो एक्टर हैं, इसके चाचा जो हैं वो एक्टर हैं, ताऊजी जो हैं प्रोड्यूसर हैं। बंदा खुद के दम पर बना है, तो रिस्पेक्ट करो इसके आर्ट की और इसकी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई शेप ज़्यादा जरूरी है यार एक्टिंग के लिए, एक्टिंग शाबाश।